दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर इंडियन स्पोर्ट्स लवर के दिल में सवाल उठाता है। इंडिया एक देश जिसमें 1.4 बिलियन लोग बसते हैं। ओलंपिक मेडल काउंट में इंडिया इतना पीछे क्यों है? क्या वजह है कि हम बाकी देशों के मुकाबले कम मेडल जीत पाते हैं? चलिए इसको गहराई में जाके समझते हैं। पहले तो हम थोड़ा पीछे की तरफ नजर डालते हैं। भारत ने पहली बार 1900 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था, जहां हमारा पहलवान नॉर्मन पिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। उसके बाद 1928 से लेकर 1956 तक भारत ने हॉकी में लगातार 6 गोल्ड मेडल्स जीते, जिससे देश में एक उम्मीद जागी कि हम ओलंपिक्स में एक शक्ति बन सकते हैं। पर यह सिलसिला धीरे धीरे थमा और आज हम देखते हैं कि मेडल टाली में हम पीछे रह गए हैं। इसका कारण कई है और सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हमारा देश में स्पोर्टिंग फैसिलिटीज का कमी है और जो है भी उनमें रिक्वायर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का अच्छी तरह से पालन नहीं होता है। बहुत सी शहरों में बेसिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक की सुविधा नहीं होती, जिसे प्लेयर्स के टैलेंट को ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण है फंडिंग और रिसोर्सेज की कमी। ओलंपिक्स की तैयारी एक मेहनत और डेडिकेशन का खेल है। जब प्लेयर्स को प्रॉपर फंडिंग और सपोर्ट नहीं मिलता तो उनकी तैयारी भी उसी तरह प्रभावित होती है। बहुत सी खेल ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर इक्विपमेंट और कोचिंग की जरूरत होती है, जो हर एथलीट को अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो प्लेयर्स को उस लेवल का सपोर्ट दें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अपनी मेहनत को रिजल्ट में बदल सकें। तीसरा कारण है ग्रास रूट डेवलपमेंट की कमी। हमारा देश में स्कूल और कॉलेज लेवल पर खेलों की तरफ वो नजरिया नहीं जो होना चाहिए। कंट्रीज जैसे अमेरिका और चाइना अपने प्लेयर्स को बचपन से ही ट्रेन करना शुरू करते हैं, वही इंडिया में स्पोर्ट्स एक सेकेंड ऑप्शन माना जाता है, जहां पहली प्रेफरेंस एकेडमिक्स को दी जाती है। ऐसे में यंग टैलेंट या तो नर्चर ही नहीं होता या फिर एक स्टेज पर आके खत्म हो जाता है। और चौथा कारण है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स फेडरेशन में करप्शन और पॉलिटिक्स की वजह से टैलेंटेड एथलीट्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी और नेपोटिज्म जैसे इश्यूज प्लेयर्स के मोटिवेशन को भी खत्म कर देते हैं। कारण जो बहुत सिग्निफिकेंट है वो है मेंटल कंडीशनिंग और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ओलंपिक्स जैसे बड़े लेवल पर फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल टफनेस भी जरूरी है। हमारे यहाँ इस चीज पर उतना फोकस नहीं दिया जाता, जिसे एथलीट्स प्रेशर के सामने टिक नहीं पाते और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब सवाल ये उठता है कि इस सब का हल क्या है? हमें सिस्टम की रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, जिसमें ग्रास रूट्स लेवल से लेकर LIT लेवल तक हर स्टेज पर प्लेयर्स को प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना होगा, फंडिंग और रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज करना होगा और स्पोर्ट्स को सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक कैरियर के रूप में देखना होगा। अगर हम ये सब कर पाए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत ओलंपिक्स में भी एक शक्ति के रूप में माना जाएगा। आखिर में सिर्फ एक बात, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और अगर हमें अपने देश का ओलंपिक मेडल काउंट बढ़ाना है तो ये मेहनत हमें मिलकर करनी होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ वजहें जिनके कारण भारत ओलंपिक्स में पीछे है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदलेगी। जय हिंद।